हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार आपके लिए मैं कुछ ना कुछ एक नया लेकर आता हूं। ऐसे आप मेरे पीछे यहां पे देख सकते हैं, ये एक सैमसंग का बोर्ड है जो कि SM M526, ये एक लेटेस्ट 5G हैंडसेट का बोर्ड है। इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको इस बोर्ड में क्या क्या आईसी लगे हुए, कितने पावर आईसी लगे हुए है, ऑडियो आईसी कौन सा है और रिंगर आईसी कौन सा है, ये सारी चीज मैं बताने वाला हूं। तो ये वीडियो शायद हो सकता है यूट्यूब पे पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे आपको इस वाले हैंडसेट का शायद ही, मैं समझता हूं, एक आध वीडियो आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट हैंडसेट है और इसमें जो है क्वालकॉम का सीपीयू लग के है और इसमें UFS इसमें लग के है साथ में। तो मैं एक एक आईसी को यहाँ पे बताऊंगा। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको सीपीयू बताता हूँ इसका, इसमें सीपीयू कौन सा लग के है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो सीपीयू लग के फ्रेंड्स, SM7325 और 200 ABA वर्जन का इसमें एक सीपीयू लग के जो कि क्वालकॉम कंपनी का है, जो कि क्वालकॉम बेस्ड सीपीयू है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका UFS है जो कि इसमें BGA254 इसमें UFS लग के है। तो ये तो हो गया इसका सीपीयू और UFS। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें दो पावर आईसी लग के है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वालकॉम का ही पावर आईसी, इसमें PM7305-01 लग के है और यहाँ पे आप देख सकते हैं PM7325, इसमें दो पावर आईसी लग के है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बक लाइन, हमारे बक जो कॉइल्स होते हैं सारे यहाँ पे लग के है। और इसमें फ्रेंड्स, अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 19 यहाँ पे बक कॉइल यहाँ पे लग के है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वोल्टेजेस बनते हैं लो वोल्टेजेस होते हैं, जैसा 1.2 हो गया या 1.8 हो गया या 2.1 हो गया, इस तरह के बक वोल्टेजेस होते हैं जो कि यहाँ से सीपीयू में ये सारे लाइंस जाते हैं और इसी से जो है वापस पावर एसी में मिलके वहां से एनडीओ लाइंस जनरेट होते हैं। तो ये सारी चीज हम क्लास में बताते हैं, अगर आपको अच्छे से सीखना है इस तरह से कि कौन से कॉइल पे कितना वोल्टेज आना है, कॉइल को कैसे चेक करना है। आईसी यहाँ पे आप देख रहे हैं तो प्राइमरी पावर क्या है, सेकेंडरी पावर क्या है, तीन तीन पावर आपको देखने मिलेंगे, तीन तीन चार्जिंग आईसी आपको देखने मिलेंगे जिसका डिटेल हम आपको क्लास में बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर एसी है, बट फ्रेंड्स इस हैंडसेट में पावर एसी के बाजू में आपको क्रिस्टल नहीं मिलेगा। जैसे कि फ्रेंड्स ये क्वालकॉम सीपीयू है तो यहाँ पे जो क्रिस्टल मिलेगा आपको 19.2 मेगाहर्ट्ज का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी आपको क्रिस्टल नहीं लग रहा है क्योंकि ये सैमसंग का हैंडसेट है। अभी लेटेस्ट सैमसंग के हैंडसेट में आपको क्रिस्टल पावर के बाजू में ना दे करके एक छोटे से आईसी के साथ कहीं और पे, कहीं सीपीयू के बाजू में या कहीं और RFIC के बाजू में लगाया जा रहा है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो क्रिस्टल लगा के है, तो फ्रेंड जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा ए साइड है जहां पे सीपीयू और यूएफएस लग के हैं। तो जो क्रिस्टल हमारा है यहां पे लग के है, उसके बाजू में आप देख सकते हैं एक छोटा सा आईसी है जो कि हमारी क्लॉक की सप्लाई फ्रीक्वेंसी को यहां से पास करके सीपीयू और RFIC वगैरह के लिए जाती है, जो कि इसमें क्वालकॉम का सीपीयू है तो इसमें 19.2 मेगाहर्ट्ज का यहां पे क्रिस्टल लगा होता है। तो यहां पे जो आईसी देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये कुछ नया टाइप का आईसी है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाला है जिसमें 8 बॉल का आईसी आपको उसका सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा, जिसके अंदर 8 बॉल में कहां पे इनपुट सप्लाई है, कहां पे मास्टर क्लॉक है, कहां से आपका क्रिस्टल की सप्लाई आउट हो रही है, सारी चीज आप वो वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके बाजू में यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरा ऑडियो आईसी है तो इसका भी नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालकॉम का यहाँ पे एक WCD जो कि हमारा ऑडियो आईसी होता है, वायरलेस कोडेक, और नंबर इसके अगर आप देखेंगे 9380। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्रॉस करके आपको बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं इसका ऑडियो आईसी है। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप सीपीयू के जस्ट बाजू में अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ग्राफिक और लाइट आईसी है, और इसको भी नंबर अगर आप देखना चाहेंगे तो इस तरह से यहाँ पे SM3010 यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका ग्राफिक आईसी हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर नेटवर्क सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो RFIC है SDR735, ये बिल्कुल लेटेस्ट SDR है, इससे पहले 660 845, और भी बहुत सारे आपको RFIC देखने मिलेंगे, जैसे WTR एक फेमस है 2965, उसी तरह से ये RFIC हो गया। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे स्काई कंपनी का एक आपको 2GPA मिलेगा, उसके अलावा यहाँ पे क्वालकॉम का अगर आप देखेंगे जो हमारा 4G और 5G के लिए यहाँ पे एक और PA रखा गया, जो कि हाई बैंड के लिए, और लो बैंड के लिए यहाँ पे एक IC रखा गया है। और ये आप देख सकते हैं एंटीना की जो हमारी सप्लाई है इस IC में आ रही है, तो ये हमारी 2GPA हो गया। तो ये सारे IC यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स क्वालकॉम का WCN6750 जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये हमारा वाईफाई आईसी होता है
जो कि सैमसंग में अभी लेटेस्ट वाला ये वाला आईसी यहाँ पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये सारे आईसीओं के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक आईसी आपको दिख रहा है जहाँ पे दो यहाँ पे कॉइल रखे गए नॉर्मल, और इसका सप्लाई अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो टिप्स रखे गए जो कि यहाँ पे आपका रिंगर के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। और अगर आप इसका नाम नंबर देखेंगे तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा RN4VX इस तरह से यहाँ पे है। तो ये फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं आप, ये 5G हैंडसेट का लेटेस्ट एक बोर्ड है जो कि आपके हाथ में आ सकता है। देख सकते हैं परपेक्ट कैपेसिटर वगैरह भी कुछ थोड़ा सा इसमें डिफरेंट यूज किया गया, और बहुत सारे क्वाइल्स का यहाँ पे यूज किया गया जिसको हम बक क्वाइल बोलते हैं। तो आने वाले समय में आपको फोन पिक हैदराबाद के चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे इस तरह के लेटेस्ट हैंडसेट पे कि कहाँ पे कितना जीआर आना चाहिए, कितना वोल्टेज आना चाहिए, पावर है, प्राइमरी पावर है, सेकेंडरी पावर है, कहाँ पे कितना वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स इन सब आईसीओ के हम जीआर डाटा शीट आपको लाइव क्लास में बताते हैं कि कहाँ पे कैसे चेक करना है। आपको ज्वाइन कर सकते हैं फोन पिक हैदराबाद। नेक्स्ट बैच हमारा 27 नवंबर से है जिसमें 20 दिन की ट्रेनिंग हम आपको देते हैं, 10 घंटा डेली लाइव क्लास होती है, प्रैक्टिकल क्लास। हर बच्चा यहाँ पे 4G CPU डन करके जाता है, ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड के मदरबोर्ड देते हैं ताकि हैंड स्किल आपका अच्छा हो, साथ ही साथ एक डुअल लेकर का बोर्ड देते हैं क्योंकि लेटेस्ट सेटों में आपको CPU के ऊपर रैम लगा होता है, वो भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाता है कि बच्चे जाकर के बहुत अच्छे लेवल पे काम कर लेते हैं। आज ही जुड़ जाइए फोनपिक हैदराबाद की टीम के साथ। अगर आपको अपडेट होना है, अपने बिजनेस में आपको आगे जाना है और अच्छे से काम करना है, तो नेक्स्ट बैच 27 नवंबर से है, जल्दी से व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, अपनी सीट बुक करा लीजिए। और दिसंबर का हमारा बुकिंग अभी स्टार्ट हो रहा है, नवंबर के कुछ ही सीटें बची है। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, ऐसे ही अगर और भी वीडियोस और भी टॉपिक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।